दोस्तों आज हम कवर करेंगे आईपीएल 2019। देखिए आईपीएल अभी खत्म हुआ है और एग्जाम अभी आने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जा सकता है। तो वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आईपीएल का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखेंगे 2008 में दोस्तों पहली बार आईपीएल खेला गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है, तो दोस्तों ये बन गई है मुंबई इंडियंस। ठीक है, जो रविवार को मैच हुआ 12 मई को, तो उसमें मुंबई इंडियंस ने फाइनल जीत लिया और दोस्तों ये चार बार जीत के टॉप पे बैठी हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा जीतने वाली कौन सी टीम हो जाएगी, मुंबई इंडियंस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईपीएल 2019 कौन सा संस्करण था, तो दोस्तों ये 12वां संस्करण था, यानी कि 12वीं बार ये खेला गया आईपीएल 2019। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट है आईपीएल 2019 के विजेता टीम कौन है, तो दोस्तों अब मैंने जैसा कि बताया अभी आपको फाइनल जीत लिया है मुंबई ने 2019 का। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने जीता और किसको हराया, चेन्नई सुपर किंग्स को, आगे वो देखेंगे सारा डिटेल से। नेक्स्ट आईपीएल 2019 की उप विजेता टीम कौन बनी, तो दोस्तों ये रनर अप टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है, तो ये उप विजेता टीम बन गई है। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में विजेता टीम को कितनी राशि मिली है, तो दोस्तों 20 करोड़ की राशि मिली है आईपीएल 2019 में जो जीती है टीम, मुंबई इंडियंस को मिली है 20 करोड़। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में उप विजेता टीम को कितनी राशि मिली, तो दोस्तों जो उप विजेता टीम है रनर अप टीम है दोस्तों, उसको 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं जीतने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आईपीएल 2019 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला, तो फाइनल मैच में दोस्तों मैन ऑफ द मैच मिला है जसप्रीत बुमराह को, ये बॉलिंग कराते हैं, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईपीएल 2019 का फाइनल मैच कहां खेला गया, तो दोस्तों फाइनल मैच खेला गया राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर। ठीक है, कहां खेला गया, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, तो दोस्तों ये भी कवर हो गया, ये स्टेडियम पूछे जाते हैं, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहां हो गया, हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में कितनी टीमों ने भाग लिया, तो दोस्तों 8 टीमों ने भाग लिया आईपीएल 2019 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में कितने मैच खेले गए, तो दोस्तों आईपीएल 2019 में 60 मैच खेले गए थे कुल फाइनल के साथ। ठीक है, 60 मैच खेले गए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां पर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आईपीएल 2019 में मैन ऑफ द सीरीज कौन से खिलाड़ी बने, तो दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज मिला है आंद्रे रसेल को। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ये खेल रहे थे दोस्तों, इन्होंने ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कराई बैटिंग भी कराई। ठीक है, तो इनको मैन ऑफ द सीरीज मिला है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती, तो ऑरेंज कैप जीती है दोस्तों डेविड वार्नर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीएल 2019 में पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो दोस्तों पर्पल जो कैप मिली है वो इमरान ताहिर को मिली है, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो दोस्तों फास्टेस्ट 50 लगा दी है हार्दिक पांड्या ने, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं दोस्तों ये, सबसे तेज 50 रन बनाए हैं हार्दिक पांड्या ने। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने, तो दोस्तों ये बन गया आंद्रे रसेल, मैन ऑफ द सीरीज भी इनको मिला और दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी इनको मिला है खिताब। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में इमर्जिंग प्लेयर कौन बने, तो दोस्तों ये बन गए हैं शुभमन गिल, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, तो दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर कौन बन गए हैं, शुभमन गिल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, तो दोस्तों ये बन गए डेविड वार्नर। कौन बन गए हैं, डेविड वार्नर, और इनको ऑरेंज कैप भी मिली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो दोस्तों ये बन गए इमरान ताहिर और इनको मिली है पर्पल कैप। ठीक है, तो कौन हो गई सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, ये हो गए हैं दोस्तों इमरान ताहिर। नेक्स्ट है दोस्तों आईपीएल 2019 में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन थे,
तो दोस्तों ये थे सैम करन, 7.2 करोड़ में इसको किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी की बात हो रही है दोस्तों, इंडिया के नहीं, तो विदेशी खिलाड़ी में दोस्तों 7.2 करोड़ में सैम करन को खरीदा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आईपीएल 2019 में मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको मिला, तो दोस्तों ये बन गए हैं केएल राहुल। ठीक है, मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको मिला, केएल राहुल, किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट आईपीएल 2019 में मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन इनाम की राशि कितनी थी, तो दोस्तों ये थी 10 लाख रुपए, केएल राहुल को दोस्तों 10 लाख रुपए मिले हैं इस अवार्ड के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आईपीएल 2019 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ सीजन का खिताब किसको मिला, तो दोस्तों ये खिताब फिर से आंद्रे रसेल को मिल गया है, और दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट था 204.81। ठीक है, तो स्ट्राइकर ऑफ द सीजन खिताब किसको मिला, आंद्रे रसेल को मिला। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल 2019 में परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन खिताब किसको मिला, तो दोस्तों ये मिला है केरन पोलार्ड को, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन, ठीक है, पोलार्ड को मिला है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आईपीएल 2019 का फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला, तो दोस्तों ये मिला है सनराइजर हैदराबाद को। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, अच्छा खेल दिखाने का ये अवार्ड होता है, तो ये सनराइजर हैदराबाद की टीम को मिला है। नेक्स्ट आईपीएल 2019 का गेम चेंजर ऑफ सीजन का अवार्ड किसको मिला, तो दोस्तों ये मिला है राहुल चाहर को। किसको मिला है, राहुल चाहर को, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, स्पिन बॉलर हैं ये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके आईपीएल के, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों वही लिए हैं चुन के, जो पीछे पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए ताकि आपको वीडियो मिल सके, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।